हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फर्टिलाइजेशन से संबंधित नोट्स आप पूरा लिख डालिएगा। ये नोट्स के लिए आपका ये वीडियो बना रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स बनाइएगा। पहले हेडिंग डाल लीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में लिखना। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑर्गन्स आर एज फॉलोस। नंबर वन आप लिखिएगा, वन पेयर ऑफ ओवरीज, नंबर टू ओविडक्ट्स, वन पेयर ओविडक्ट्स जिसका दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स। और नंबर थ्री है यूट्रस, यू टी ई आर यू एस, यूट्रस। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद आप आगे इसमें बढ़ेंगे फंक्शन लिखने के लिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ ओवरीज इसमें लिखिए, द ओवरी produces female gametes called ova or eggs। ठीक है, अब इसमें एरो साइन लगा करके लिखिएगा, इन ह्यूमन बीइंग बीइंग्स वन मैच्योर एग इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस का रिलीज, रिलीज्ड इनटू ओवी डक्ट। डक्ट बाई वन ऑफ द
वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ मंथ, ठीक है। नेक्स्ट ओवम इज रिलीज्ड इनटू ओवरी, ओवम इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट। ये है। इसके बाद आपके यहाँ है अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें आप जानते रहिए। अच्छा, फंक्शन ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट का फंक्शन क्या होता है इसमें? ओविडक्ट इज प्लेस, ऐसा मत लिखिए, ऐसे डायरेक्ट स्मॉल सेंटेंस में, द फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट टू फार्म जाइगोट। ये हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे फंक्शन ऑफ यूट्रस, फंक्शन ऑफ यूट्रस, इसमें आप लिखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस इन यूट्रस। ये लिख लेंगे। फिर इसके बाद एरो साइन में लिख लीजिएगा, द एग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज वेरी स्मॉल, द एग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज वेरी स्मॉल और द लार्जेस्ट एग इज ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा होता है। इसके बाद आप लिखेंगे फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन आपको पहले समझा चुके हैं, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टू फार्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन इसमें लिखिए फर्टिलाइजेशन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप होता है। जानते हैं एग को फीमेल गैमेट, स्पर्म को मेल गैमेट कहते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें नोट करेंगे, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन the nuclei of sperm and egg फ्यूज टू फार्म सिंगल न्यूक्लियस। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स the formation of zygote अब इसके बाद types of fertilization इसमें फिगर आपको बनाना होगा। पहले फिगर कौन कौन से बनाने हैं, फिगर बनाना है 9.3 फिगर बनाइए, 9.4 बनाइए और 9.5
और 9.6 इतने फिगर आपको बनाने होंगे, ठीक है। ये फिगर बना लीजिएगा, फिगर बनाने के बाद तब आप लोग टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, नंबर वन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नंबर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यह लिख लीजिए, अच्छा अब आप हेडिंग डाल लेंगे, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में द फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस outside the body of the female is called एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल है फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन
इन फर्टिलाइजेशन इन फ्रांस फिश स्टार फिश एक्सेट्रा इसके बाद एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक ए क्यू यू एनिमल्स लाइक इन फिश स्टार फिश ठीक है ये हो गया आपके इसके बाद आप लिखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड Female gametes takes place inside the female body. Is called internal fertilization. Example Fertilization in humans, cows, dogs, hens, etc. ठीक है इतना आप लोगों को करना है फिर
टेस्ट ट्यूब बेबी किसको कहते हैं और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसको कल आप लोगों को बताएंगे भी, लिखवाएंगे भी।